कौन सा परफ्यूम लगाई हो, बड़ा अच्छा सुगंध है इसका। अरे अब मैं आपको क्या ही बताऊं, ये कोई परफ्यूम नहीं है, ये पर्सनल परफ्यूम है जो बदबू की जगह सुगंध दे रही है। सुनील, शादी के लिए लड़की देखने मधु के घर आया हुआ था, जहाँ वो सोफे पे बैठा हुआ था। अरे चाची, जरा आप मधु को तो बुला दीजिए, उसे तो देख लूं। हाँ हाँ बेटा, अभी बुला देती हूँ। मधु बेटा जरा मेहमान के लिए चाय वगैरह तो लेके आ। मधु चाय लेकर वहाँ पहुँचती है। ये लीजिए चाय। सुनील और मधु की नजरें मिलती है। सुनील को मधु पसंद तो आ जाता है। फिर मधु वहाँ से जाने वाली होती है, तभी मधु एक बदबूदार पात छोड़ जाती है। कैसी लड़की है, मैंने तो सोचा कितनी अच्छी है, शादी करके लेके जाऊंगा, रानी के तरह रखूंगा, ये तो पाद मारने वाली लड़की है, इससे कौन शादी करेगा। छी, कितना बदबूदार पाद है। ये कहते हुए सुनील वहाँ से उठकर चला जाता है। और इधर मधु की माँ, अरे बेटा सुनो तो सही, सुनो बेटा, अरे इस लड़की से शादी कौन करेगा, दिन भर पाद रहती है, ऐसे बदबूदार पाद मारेगी तो इसका शादी नहीं होगा। कितना कहती हूँ कि ये सब मत खाया कर, उल्टा पुल्टा चीजें, लेकिन ये सुनती नहीं है मेरी। मधु को खाने पीने का बड़ा ही शौक था, और फास्ट फूड में मोमोज पिज्जा तो बहुत ही पसंद थे। मधु को फास्ट फूड खाना पसंद तो था, लेकिन इसका भुगतान घर वाले करते थे, वो बदबूदार पाद जो मारती थी। आज भी मधु मोमोज पिज्जा लेकर बैठी हुई थी और खा रही थी बड़े ही मजे से। बड़ा मजा आ रहा है, मोमोज तुझे तो बड़ा टेस्टी मोमोज है, जल्दी से मोमोज खत्म करती हूँ, फिर पिज्जा की बारी है। पिज्जा रोना मत, मैं यही हूँ, तुझे भी खाऊंगी। मधु जल्दी जल्दी से मोमोज खत्म कर देती है और फिर पिज्जा खाने लगती है। तभी मधु की माँ वहाँ पहुँच जाती है। अरे मधु ये सब क्या खा रही हो, ये खा कर तुम अपना पेट खराब करती हो, और भुगतना हम सबको पड़ता है घर में। ये रिश्ता भी तुम्हारा पाद मारने की वजह से चला गया, लेकिन मधु अब की बार अगर कोई रिश्ता आया और अगर तेरी बदबूदार पाद की वजह से ये रिश्ता गया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे माँ, रिश्ता आते हैं जाते हैं, लेकिन मेरा खाना भी तो जरूरी है। अरे तेरी खाने की ऐसी की तैसी अपना पेट खराब करती हो और बदबूदार पाद मारते रहती है, छी शर्म ही नहीं आती है इसे। मधु की माँ ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। और इधर मधु, अरे माँ जो कहती है कहने दो, मैं तो अपना मोमोज पिज्जा नहीं छोड़ूंगी। पिज्जा बड़ा टेस्टी है रे तू। आज मधु को देखने लक्ष्मण और उसकी माँ सुमित्रा देवी आए हुए थे। मधु को सख्त निर्देश था कि आज कोई भी हालत में ऐसी कोई हरकत ना करे जिस वजह से ये रिश्ता टूट जाए। वो काफी कंट्रोल करके थी। अरे सीता देवी, आपकी लड़की तो बहुत खूबसूरत है, मुझे तो खूब पसंद आई, अब बस लक्ष्मण की देरी है, वो भी पसंद कर ले तो हम शादी पक्का समझे। इधर लक्ष्मण और मधु एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी सुमित्रा देवी लक्ष्मण से कहती है, अरे बेटा लक्ष्मण। हाँ हाँ माँ, तुझे लड़की कैसी लगी शादी के लिए, हाँ बोल दूँ। अरे माँ, तुम्हें जो ठीक लगे सो करो। अरे सीता देवी, मुबारक हो, आपकी बेटी हम दोनों को पसंद आई, आप शादी की तारीख तय कीजिए, जल्द से जल्द हम मधु को अपनी घर की बहू बनाकर लेके जाना चाहते हैं। इस रिश्ते से मधु की माँ काफी खुश हो जाती है। और इधर मधु को भी ये रिश्ता पसंद थी। लक्ष्मण और मधु की शादी हो जाती है। इससे मधु के मम्मी पापा काफी खुश थे, और इधर लक्ष्मण के माँ भी काफी खुश थी। कमरे को फूलों से सजाया गया था, बिस्तर पर फूल बिखरे पड़े थे। मधु लाल जोड़े में अपने पति लक्ष्मण का इंतजार कर रही थी। तभी जूतों की आहट सुनाई देती है। लक्ष्मण वहाँ पहुँचता है और धीरे धीरे मधु के समीप आता है। अरे मधु, आज तो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, ऐसा लगता है कि चांद जमीन पर उतर आया है। मधु ये सब सुन शर्मा जाती है। फिर जैसे ही लक्ष्मण मधु के समीप जाने की कोशिश करता है, मधु कहती है, अरे 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 रुकिए, आपके लिए
दूध लेके आए हो, वो तो पहले पी लीजिए। अरे वो पीना जरूरी है क्या? मुझे दूध एकदम पसंद नहीं है। अरे रसम है तो पूरा करना पड़ेगा। ठीक है रसम है तो लाओ पी ही लेता हूँ। फिर मधु दूध लेने के लिए पीछे जैसे ही मुड़ती है और झुकती है ग्लास उठाने के लिए कि वो और रोक नहीं पाती है और एक जोरदार पाद मार डालती है। पाद इतनी बदबूदार थी कि लक्ष्मण उसे सूंघते ही बेहोश हो जाता है। फिर मधु जैसे ही घूमती है दूध देने के लिए वो देखती है लक्ष्मण बेहोश पड़ा है। अरे लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी क्या हो गया आपको? आप यूं ही नीचे क्यों पड़े हुए हैं लक्ष्मण जी? लक्ष्मण और कहां उठने वाला था, वो तो बेहोश हो चुका था मधु के बदबूदार पाद से। मधु को अब समझ में आ गया था। अरे अब मैं क्या करूं, इस पाद का कुछ तो करना पड़ेगा वरना ऐसे नहीं चलेगा, अब मैं क्या करूं? रात ऐसे ही बीत जाती है, लक्ष्मण बेहोश पड़ा रहता है और मधु लक्ष्मण के उठने का इंतजार करते रहती है। दूसरी रोज सुबह मधु की सास सोफे में बैठी हुई थी, तभी मधु चाय लेकर अपनी सास के पास पहुंचती है। माँ जी ये लीजिए चाय। अरे वाह वाह बहू, आज सुबह सुबह चाय नसीब हुई बहू के हाथों से, लाओ। मधु अपनी सास को चाय दे देती है और जाते जाते एक बदबूदार पाद छोड़ जाती है। अरे कैसा महक रहा है। अरे बहू बहू देखना जरा, यहाँ कोई सरा हुआ है क्या, कुछ मर गया क्या, इतना गंदा महक रहा, ऐसा लग रहा है बेहोश हो जाऊंगी मैं। अरे माँ जी आप कमरे में चले जाइए, वहाँ जाके चाय पीजिए, मैं देखती हूँ क्या महक रहा है। हाँ हाँ सही कह रही हो तुम, मैं कमरे में जा रही हूँ। मधु की सास कमरे में चली जाती है और मधु, अरे इसे कुछ करना ही पड़ेगा वरना किसी को अगर पता चल गई कि मैं पाद मारी थी जिसकी महक इतनी गंदी है तो मैं तो गई, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, आज ही मैं जाती हूँ डॉक्टर से मिल के आती हूँ। दूसरे दिन ही मधु डॉक्टर सुमन के पास आ जाती है। डॉक्टर सुमन मधु को अच्छी तरह से चेक करते हैं और फिर कहते हैं, देखिए मधु जी आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बस आप जो खाते हैं वो फास्ट फूड वगैरह आप ये सब खाना बंद कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब अभी अचानक से मैं कैसे बंद कर सकती हूँ, इसका कुछ दूसरा उपाय बताइए ना। ठीक है आप धीरे धीरे ये सब खाना बंद कर दीजिएगा और मैं आपको एक दवाई दे रही हूँ, ये दवाई आप हर रोज सुबह ले लीजिएगा खाली पेट, इससे जो आपकी पाद है वो सुगंधित निकलेगी, बदबूदार और पाद नहीं निकलेगी। लेकिन ये दवाई ज्यादा दिनों तक खा नहीं सकते हैं, तबीयत खराब कर सकती है, इसलिए जितना जल्दी हो आप अपना खान पान बदल दीजिए तो ही अच्छा है। फिर मधु डॉक्टर से वो दवाई ले लेती है और लेकर आ जाती है। सुबह का वक्त हो रहा था, मधु जल्दी से उठ जाती है और डॉक्टर के कहे अनुसार उस डब्बे में से एक दवाई निकाल कर खा लेती है और वहाँ से चली जाती है। इधर लक्ष्मण सोया हुआ था, कुछ देर बाद लक्ष्मण की नींद खुलती है, वो उठकर बैठता है। अरे वाह आज तो बहुत ही अच्छा महक रहा है, जरूर मधु ने कोई अच्छा सा परफ्यूम लगाई होगी। तभी मधु पहुँच जाती है चाय लिए। अरे आप उठ गए, ये लीजिए मैं आपके लिए चाय बना के लेके आई हूँ। अरे मधु आज तो बहुत ही खूबसूरत महक रहा है, कौन सा परफ्यूम लगाई हो, बड़ा अच्छा सुगंध है इसका। और इधर मधु मनी मन सोचती है, अरे अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, ये कोई परफ्यूम नहीं है, ये पर्सनल परफ्यूम है जो बदबू की जगह सुगंध दे रही है, ये लीजिए चाय पीजिए, परफ्यूम बाद में आपको बताऊंगी। मधु लक्ष्मण को चाय देकर वहाँ से चली जाती है। फिर मधु चाय लेकर अपने सास के कमरे में पहुँचती है। अरे माँ जी उठ गए, ये लीजिए चाय पीजिए। मधु के आने से पूरा कमरा सुगंध से भर गया था, उसकी सास तुरंत कहती है, अरे बहू कौन सा परफ्यूम लगाई हो, बड़ा अच्छा सुगंध है, मेरा पूरा कमरा कितना अच्छा महकने लगा है, ऐसे ही हर सुबह आते रहना। ठीक है माँ जी हर सुबह आ जाऊंगी, आप अभी चाय पीजिए। मधु चाय देकर वहाँ से चली जाती है। मधु किचन आ जाती है और सोचती है, अरे ये दवाई तो काफी अच्छा असर दिखा रहा है, कितना मेरा बदबूदार पाद ये सुगंध में बदल गया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही समय बीतने लगता है। कुछ महीनों के बाद एक रोज मधु कमरे में थी, उसके पेट में काफी तकलीफ हो रही थी, काफी जोरों से दर्द हो रहा था। आ, आ,
मेरे पेट में दर्द हो रहा है, काफी जोरों से। लक्ष्मण, लक्ष्मण मधु की आवाज सुन जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचता है। वहाँ आकर देखता है मधु को काफी तकलीफ हो रही है। अरे मधु, मधु क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? मधु कुछ कह पाती उससे पहले ही बेहोश हो जाती है। लक्ष्मण और कुछ इधर उधर नहीं सोचता है, वो जल्दी से मधु को उठाता है और हॉस्पिटल के लिए लेके जाता है। मधु को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। मधु का ट्रीटमेंट चलता है और लक्ष्मण दूर बैठा इंतजार में था कि कब मधु को होश आएगा। तभी डॉक्टर साहिबा लक्ष्मण के पास आती है और लक्ष्मण से कहती है, देखिए लक्ष्मण जी, मैंने मधु से पहले भी कही थी कि तुम ये सब खाना बंद कर दो, लेकिन ये नहीं सुनी, जिस वजह से आज उसे ये दिन देखना पड़ा। ये क्या कह रहे हैं आप, ये पहले भी यहाँ आ चुकी है, ये तो कुछ भी नहीं बताई। हाँ, शर्म से शायद नहीं बताई होगी, लेकिन इसे बदबूदार पाद मारने की बीमारी हो गई थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट फूड और उल्टा पुल्टा खा लेती थी, जिस वजह से इसे ये हो रहा था। वो मेरे पास आई थी तो मैं एक दवाई दी थी इसे, इसे कही थी कि ज्यादा दिन तक ये दवाई नहीं खाना है, लेकिन ये दवाई लगातार ये खाई जा रही थी, जिस वजह से आज इसे ये दिन देखना पड़ा। मैंने इसे दवाई दे दी हूँ, बस कुछ ही समय में इसको होश आ जाएगा, आप इसे समझा दीजिएगा। अब की बार से ये फास्ट फूड वगैरह या फिर उल्टा पुल्टा कोई भी चीज जो खाती है वो बंद कर दे, वरना इसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये कहने के बाद डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है और लक्ष्मण दूर बैठा इंतजार करता है मधु के होश आने का। कुछ ही समय में मधु को होश आ जाता है। लक्ष्मण जल्दी से मधु के पास आता है। अरे मधु, अब तो तुम ठीक हो ना? हाँ जी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, बस एक बात है जो मैं आपसे छुपा के रखी थी। हाँ पता है मुझे, डॉक्टर साहिबा ने सारी चीज बता दी मुझे। मुझे माफ कर दिए जी, अब से कभी मैं ऐसी कुछ भी चीजें नहीं खाऊंगी जिससे मेरा पेट खराब हो। कुछ ही दिनों में मधु पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है और जितना भी फास्ट फूड वगैरह और जो भी खाती थी वो खाना छोड़ देती है। ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आई हूँ। आओ मधु, तुम भी बैठो, साथ में चाय पीते हैं। अब मधु अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।